हेलो बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर फिर से एक बार मिल रहे हैं। इस चैनल में बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे हम लोग अपने केमिस्ट्री में जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर का नाम एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। ठीक, तो ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में क्या था कि आपने एल्कोहल के जो नॉमेनक्लेचर था और जो उसकी प्रिपरेशन मेथड थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, कुछ मैकेनिज्म भी थी, इन सारी चीजों को हमने बहुत ही अच्छे से इसमें पढ़ रखा है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा फिनॉल। फिनॉल आगे का टॉपिक जो है फिनॉल, यानी फिनॉल की जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन पे हम लोग को बात करनी है। अगर आपने एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो चैप्टर है पीछे ना पढ़ा हो तो आप एक बार लास्ट लेक्चर्स को अटेंड करिए और अपने चैप्टर का बेस कंप्लीट करिए। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक फिनॉल की तरफ। फिनॉल पे जो फिनॉल है हमारा, फॉर्मूला है C6H5OH। C6H5OH। और अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से है। वैसे तो रिंग आप लोग बनाते हैं लेकिन कोशिश करिए कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाए जाएं, क्योंकि डबल बॉन्ड इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को शो करता है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं फिनॉल। अब मैटर क्या है, फिनॉल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो फिनॉल के प्रिपरेशन के कई सारे मेथड्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है फ्रॉम क्लोरो बेंजीन। आपको पता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाना है, आपने लास्ट लेक्चर में यानी लास्ट चैप्टर में हेलोइल्केन्स, हेलोजेन्स में इसको पढ़ भी रखा था। तो जैसे ही आप इस क्लोरोबेंजीन में NaOH ऐड करोगे, ठीक, 300 केल्विन टेम्परेचर इस पे आप 10 टू 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आप लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक, 300 डिग्री सेल्सियस था, तो इस पे जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे तो ये हो जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड पे आप जैसे एसिडिफिकेशन करा दोगे तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। अच्छा, कुछ होता क्या है कि कई बार कई जगह पे लिखा होता है डायरेक्ट आप NaOH मिलाइए, NaCl निकाल दीजिए, फिनॉल बन जाएगा, तो वो मेथड थोड़ा सा रॉन्ग उसको कंसीडर किया जाता है। तो आप पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाइए क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर इसके बाद फिनॉल बनेगा, तो दो स्टेप में बनता है और इस रिएक्शन को डॉब्स रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के अलावा दूसरा अगर मेथड देखेंगे तो फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आपका N2+Cl-। जैसे इस पे आप वाटर के साथ हीट करिए, स्टीम मिलाइए, थोड़ा सा हीट वार्म कर दीजिए इसको, जैसे इसको आप वार्म करोगे या वार्म वाटर से ही डायरेक्ट रिएक्शन करा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आपका यहाँ पे फिनॉल निकल आएगा बेसिकली।
N2 plus HCl. चेक, ये आपकी फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से आपकी एक ये प्रिपरेशन मेथड थी, फिनॉल वाली भी थी, क्लोरोबेंजीन से थी अगली, क्योंकि देखो बेसिकली है क्या कि फिनॉल बनाने में हमारे पास जो मेन है वो है क्यूमीन से फिनॉल, फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, ये इंपॉर्टेंट मेथड है ये भी दोनों लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी रिएक्शन है फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, तो फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, और दूसरी है बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू फिनॉल, कोई भी कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन टू फिनॉल। अब क्यूमीन ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CH3 और H, ये आपका क्यूमीन। आप इस क्यूमीन का जैसे ही ऑक्सीडेशन कराओगे बेस की प्रेजेंस में तो क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बन जाएगा। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक, इसको आप हीट करेंगे जैसे ही तो ऊपर फिनॉल और फिनॉल के साथ साथ CH3 COCH3, ठीक। तो इस तरह से ये आपका यहां पे एसीटोन मिल गया फ्रॉम क्यूमीन टू फिनॉल। अब नेक्स्ट है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है लेकिन ये उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जो आप अभी तक पढ़ रखे, और ऑन बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। तो SO3H में जैसे ही आप NaOH मिलाओगे भी आपका SO3H में ONA बनेगा, और जैसे ही इस पे HCl मिला दोगे तो यहाँ पे आपका फिनॉल बन जाएगा। तो इस टाइप से हमको फिनॉल नेक्स्ट मेथड से भी मिलेगा। तो फिनॉल के प्रिपरेशन की ये 4 मेथड्स थी, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है कि या तो सॉल्युबिलिटी होती है या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक। तो पहली अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहली बात करेंगे, अल्कोहल वाले में बात की भी थी, तो बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं पहला आता है उस पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में सॉल्युबिलिटी। तो आप लोग को अच्छे से पता है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, हाई सॉल्युबल। इसकी वजह से एच बॉन्ड की वजह से, ठीक, क्योंकि जो फिनॉल है, फिनॉल
की वजह से हाईली सोल्युबल हो जाता है। दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई होता है। ठीक, कैसे? प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड। ठीक, प्रेजेंस ऑफ एच बॉन्ड। क्योंकि ये आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जब आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी का जो बेसिकली नेचर होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। ठीक, सभी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। नेक्स्ट, अगला जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी केमिकल, या ऐसे भी स्ट्रेंथ पे भी बात कर सकते हो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ इनॉन। इस पे भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल में, भाई फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर तो होता ही। ठीक, तो सबसे पहला रिएक्शन विद दोनों से ही फिनॉल रिएक्शन करेगा, दोनों से ही फिनॉल रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। तो अगर एसिड होता है और Na और NaOH क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इस पर रिएक्शन करवाइए ONa प्लस H2O। ठीक, ये आपका एसिडिक कैरेक्टर हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। ये दोनों रिएक्शन प्रूफ करेंगी कि सोडियम जो है, सॉरी फिनॉल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो ये क्या होगा, सॉल्ट ही तो होगा। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, अब बात आती है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल की, वो क्या है, तो पहला पॉइंट है increases in the presence of electron withdrawing, chick N2
सबकी प्रोसेस में जो होती है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, ठीक। और दूसरा पॉइंट है डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होते हैं? CH3 हो गया, C2H5 हो गया, OCH3। ये सब डिक्रीज कर देते हैं। जैसे अब आपसे कहें फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे OH लगा है, NO2 लगा है, चिक इज मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड मिथाइल फिनॉल। ठीक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चिक, तो ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है। जरा एक मिनट इसको देखिए जरा ध्यान से, फिर आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अब बात करेंगे हम लोग फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये हमारा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कभी कभी घट भी जाती है, तो घटती किसकी प्रेजेंस में है? जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ घट भी जाती है, ठीक है ना। तो ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की बात थी। कई बार आपसे कंपेयर करने को बोल देता है कि जैसे मान लीजिए जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगे होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आता भी है, ठीक। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एसिडिक कैरेक्टर। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो अब जैसे यहीं पे हम लोग बात कर रहे थे एक डब्स रिएक्शन पे, अगर आप हाई टेंपरेचर प्रेशर ना भी रखना चाहें तो यहाँ पे आप 300°C प्लस 10 to 20 ATM प्रेशर भी रख सकते, इतना सब कुछ कर सकते। तो ये आपके पास फिनॉल की क्या आ गई प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ आई, एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल से फिनॉक्साइड बनने के ड्यूरिंग होती है, कि बहुत सारी भाई फिनॉल से आप रिएक्शन कराओगे तो बीच में फिनॉक्साइड आयन कई रिएक्शंस में बनता है, और कहीं ना कहीं फिनॉक्साइड आयन का मान लीजिए डिस्कशन हमने एसिडिक स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन टॉपिक पे नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिनॉक्साइड आयंस पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होता है। फिनॉल जो कि मेन है जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, तो कुछ ना कुछ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ रेजोनेंस के कारण भी होती है। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में जैसे सबसे पहली आई प्रॉपर्टी रिएक्शन विद जिंक डस्ट, जिंक डस्ट, ठीक। अगर जिंक डस्ट से आप रिएक्शन कराते हो तो देखो जरा पहली पॉइंट है O H
रंजीत बनता है, बेंजीन बनता है, बेंजीन। ठीक, आओ जरा बेंजीन बना लेते हैं। क्या बताएंगे? एच बनता है क्या? जेड बनता है। ठीक, तो बेंजीन बन गया। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराइए। तो अगर आप फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कराते हो आप, ठीक है? तो जैसे ही ऑक्सीडेशन आप कराते हो यहाँ पे, ये H इस H के साथ और एक O के साथ क्या बना देगा? H2O प्लस। ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, तो बीच में ये डबल बॉन्ड आ जाएगा ऐसे ऐसे। ये वो इसका नाम होगा बेंजो क्यूनोन। ठीक, बेंजो क्यूनोन ऑक्सीडेशन से बनता है, ठीक है? ये आपकी किसकी बात हो गई? ऐसे ही हम लोग अब बात करेंगे कुछ और चीजों पर। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले दो रिएक्शन इसकी हो जाती है, तीसरी पे आते हैं। तीसरी रिएक्शन है आपके पास कोलबेन रिएक्शन। ठीक, यानी फिनॉल रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म और एनओएच से। ठीक, क्लोरोफॉर्म और एनओएच। तो सबसे पहले इस पे NaOH ही मिला दीजिए आप। तो जैसे ही आप NaOH मिलाओगे ये बना देगा H2O, निकाला ONa बना दिया। ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड में आप क्या करोगे? CO2 मिला दीजिए। CO2 मिला दीजिए। तो जैसे ही आप इस पे CO2 मिलाओगे ये एडजेसेंट पोजीशन पे ONa लगा था, यहाँ पे COOH लग जाएगा। ठीक, और फिर इस पे वापस आप HCl मिला दीजिए तो आपका OH COOH सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। ठीक, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा। इसी तरह से चौथी रिएक्शन आती है आपकी राइमर टीमैन रिएक्शन। राइमर टीमैन रिएक्शन ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ज्यादा है, आइए जानते हैं। तो सेम इसमें भी होता है कि जो आपका ये फिनॉल है, यहीं लिख देते हैं राइमर टीमैन
इसमें भी सेम कंडीशन है प्राइमर डीमन रिएक्शन में, आप जब बात करोगे इस पे तो क्लोरोफॉर्म और NaOH रिएक्शन करता है। तो जैसे मान लीजिए वो H है, NaOH मिलाया, क्या बनेगा? OH बन गया ठीक। अब जब OH बन गया, यहां से H2O निकल गया, अब आप इस पे मिला रहे हो CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो जैसे ही क्लोरोफॉर्म मिलाओगे ठीक है, तो ये कोई नहीं बनेगा और यहाँ आके एक HCl निकल गया, CHCl2 मिल गया ठीक। अब इस CHCl2 के अगर आप वापस NaOH मिला रहे हो CHCl2 मिला रहे हो प्लस वापस NaOH मिला रहे हो इस पे ठीक, और हीट भी कर दे रहे हो, तो आपका ONa प्लस CH2, यहां से आपका NaCl एंड 2H2O ठीक, ये हुआ। अब वापस आप इस पे HCl मिलाएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा जरा, ये OH और CHO क्या बनेगा, सैलिसिलेंडिहाइड। भैया ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम वाली है, इसीलिए सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं, सैलिसिलेंडिहाइड। और आपको भी ये रिएक्शन करनी है भैया, नेम रिएक्शन है और ये कंफर्म है, मान लीजिए एक दो तो कंफर्म है, आना ही आना है, तो इन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। अब आपके पास आती है नेम रिएक्शन के बाद, जो आपने देखा कि रिमर-टीमेन रिएक्शन है, कोलबी रिएक्शन है, जिंक डस्ट से रिएक्शन हो गई। अब आती है फिनोल की, और भी हमारे पास रिएक्शंस थी, तो अगली चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रो फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो माय डियर चिल्ड्रन, होता क्या है कि जो फिनॉल है ठीक, इसमें OH ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कैसा है ठीक, इनकमिंग ग्रुप को या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा या कहां भेजेगा, पैरा पोजीशन, या तो कहेगा आ मेरे बगल में बैठ, या तो कहेगा या तो मेरे सामने बैठ, इनकमिंग ग्रुप को ठीक ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ये रेजोनेंस भी शो करता है और रेजोनेंस की वजह से ही ये प्रॉपर वे मूव करता है। तो आपने रेजोनेंस पढ़ भी रखा था पहले ठीक, पहले के टॉपिक्स में पढ़ा भी है, ये प्रॉपर वे में ये बॉन्ड मूव करता रहता है। तो कभी बॉन्ड मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे फिर इस पोजीशन पे आएंगे, वापस वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर तो होते ही हैं, तो रेजोनेंस शो करता है, इसी वजह से इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आएंगे। और मैं बता दूं कि जो पैरा पोजीशन का होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो पोजीशन वाला कंपाउंड मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा ठीक, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे एक साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से हमेशा जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहां लगता है, पैरा पोजीशन। आइए जरा जान लेते हैं इसके बारे में, भाई पैरा पोजीशन कैसी है ठीक, आइए जानते हैं पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन।
पोजीशन की बात कर रहे थे कि सबसे पहले मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आया तो भाई कई रिएक्शन भी आएंगे अच्छी अच्छी, वो कौन कौन सी आएंगे और जान लेते हैं और जानते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले आती है ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ठीक। अब ब्रोमिनेशन तो आ गई, ब्रोमिनेशन अगर कहीं भी ब्रोमिनेशन होता है तो मतलब होता है कि ब्रोमीन से रिएक्शन, और ब्रोमीन से रिएक्शन आप लोग अच्छे से जानते हो कैसे होती है ठीक। तो ब्रोमिनेशन में सबसे पहले इसके अंदर है जो एक पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, फिनॉल, इस पे ब्रोमीन से रिएक्शन कराई है CS2 की प्रेजेंस में। जैसे ही ब्रोमीन की रिएक्शन कराओगे आप CS2 की प्रेजेंस में, तो मिक्सचर ऑफ ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल मिलेगा, लेकिन आपको पैरा ब्रोमोफिनॉल ही एज ए मेजर प्रोडक्ट रखना है क्योंकि यही क्या है मेजर प्रोडक्ट। दूसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइन वाटर, ब्रोमाइन वाटर अगर ब्रोमाइन वाटर की प्रेजेंस में है तो क्या होगा, तो उसमें प्रोडक्ट थोड़ा डिफरेंट बनेगा। प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे बनेगा, ब्रोमाइन वाटर अगर रिएक्शन कर रहा है तो देखो जरा ये आपका फिनॉल है, अगर ब्रोमीन वाटर आप मिलाते हो तो 3 मोल्स में Br2 आएंगे, यहां आपको एक क्वस लिखना पड़ेगा ठीक। जब आप एक क्वस लिखोगे तो इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग बनेगा और उस प्रोडक्ट का नाम है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मिल सकता है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। यू नो चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, मिल सकता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल ये आपके पास कंपाउंड है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइन वाटर ठीक। ये ब्रोमिनेशन हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ये तो सिर्फ आपने एक पढ़ रखी है कि ब्रोमिनेशन मैंने करवाई है। इसी तरह से नाइट्रेशन भी होती है। अब अगर नाइट्रेशन की हम लोग बात करें कि नाइट्रेशन कैसे होगी भैया, तो नाइट्रेशन का अपना अलग मैटर है ठीक। आइए जरा नाइट्रेशन के अबाउट में जान लेते हैं। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल ठीक। अब डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के नाइट्रिक एसिड से करा रहे हो नाइट्रेशन ठीक है। तो नाइट्रेशन अगर आप करवाते हो तो नाइट्रेशन के कुछ अलग ही अपने, तो ये जैसे फिनॉल है, इस फिनॉल में जैसे ही आपने नाइट्रेशन कराया, अब इसमें नाइट्रेशन बिना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के नहीं होता है, हमने बात पिछले चैप्टर में बताई, और हल्का सा इसमें डाइल्यूट, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूटेशन होती है जैसे ही मिलाओगे, तो ये जो बनाएगा वो मिक्सचर बनाएगा दो कंपाउंड ठीक, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरा बनाएगा पैरानाइट्रोफिनॉल ठीक।
और H2O निकल जाए। अब ये जो मिक्सचर बना है इसको आप अलग कैसे करोगे? तो जो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये कौन है, ये तुम्हारा पैरानाइट्रोफिनॉल है, ठीक। इन दोनों के मिक्सचर को सेपरेट कैसे करो? तो मैं बता दूं कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम वोलाटाइल होता है, स्टीम वोलाटाइल होता है, ठीक। और स्टीम वोलाटाइल क्यों होता है? स्टीम वोलाटाइल होता है किसकी वजह से? इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक। और ये जो होता है वो इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्ड होता है, ठीक। जैसे ये देखिए, और इन दोनों को ये मान लीजिए OH है, ये आपका NO2 है, तो इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड मैटर ये होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर होता है, मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड होता है, ठीक। इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसमें इंट्रा होता है, ठीक। इसमें एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। इसीलिए इनको सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक, यूजेस फॉर यूज फॉर सेपरेशन, ठीक। सब पूरा मटेरियल यहां तक हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल हुआ। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों ने देखा इस लेक्चर में हमने फिनॉल के प्रिपरेशन पे, फिनॉल की प्रॉपर्टीज पे और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे, रिएक्शंस पे बात की, और अब अगले टर्म पे हम लोग फिनॉल के साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज फिनॉल की साथ के साथ कुछ प्रॉपर्टीज ईथर के प्रिपरेशन पे भी बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे अपने नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय।